Hemal is here. Hemal, just a little bit hair on her. One second. Ma'am, look. We'll start our shoot. So वो perspective shoot करेंगे. Can we do your bites? Especially the video. Yeah, bites. हम shoot करते हैं वो. Can we do your bites first? Okay. Roll. फिल्म सबसे पहले तो खूबसूरत दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में? देखिए, ओके, आज का ये जो शूट है FYI मैगज़ीन के लिए है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लुक वेरी हाई फैशन, वेरी ट्रेंडी. सो आई थिंक द स्टाइलिस्ट ईशा अमीन हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब विद ऑल द कॉस्ट्यूम्स इन, यू नो, द स्टाइलिंग इज़ ग्रेट. जीशा नायर इज शूटिंग, सो शी इज़ डूइंग सच अ फैबुलस जॉब, एंड मायशा इज़ डूइंग माई मेकअप, and I think she's made me look absolutely gorgeous, and Hemal is doing my hair. So as a team, it's a girl team, it's a girl power, and I think we're going to get some fabulous pictures. Okay, ma'am. Oh, aapne aur bhi fan aur bhi dekha jo magazine ke shoot kiya hai, kitna different raha usse dikhta hai? Har ek magazine ka ek style hota hai. Okay. हर एक मैगज़ीन का एक स्टाइल होता है, और मुझे लगता है FYI इज़ अ वेरी वेरी हाई फैशन, वेरी ट्रेंडी मैगज़ीन. तो हमने उसी का ध्यान रखते हुए वी हैव रियली केप्ट इट वेरी कलरफुल, वेरी सेक्सी. सो आई थिंक इट्स ऑल गोना बी रियली नाइस. ओके मैम, आप देखा जाए तो और भी कैरेक्टर फील्ड में आपको चैंपियन रह चुकी है, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किस तरह से रहा देखा जाए? देखिए, मैं स्पोर्ट्स पर्सन, बचपन से ही मैंने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखा है, और एज अ मॉडल जब मैं रैंप में होती हूँ, और एज अ कराटे प्लेयर जब मैं, यू नो, एज अ फाइटर मैं फ़ाइट करती हूँ, ये बहुत ही दो अलग चीज़ें हैं. बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू, यू नो, एक्सपीरियंस सच डिफरेंट फील्ड, बिकॉज मुझे लगता है औरतों को सब कुछ ट्राई करना चाहिए, और एज अ सेल्फ डिफेंस के लिए आपको मार्शल आर्ट सीखना चाहिए. एंड एज अ कराटेका मैं ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि आज की औरतों को सिर्फ अपनी सुंदरता पे नहीं, बट अपनी शक्ति पर भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, और जाके सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए. ये तो सेल्फ डिफेंस की बात हो गई, तो बॉलीवुड में एंट्री किस तरह से हुई? क्योंकि बॉलीवुड में एंट्री करना नॉर्मली डिफिकल्ट टास्क होता है. देखिए, फैशन जब आप करते हो तो स्टेज तो हमेशा से ही आपके लिए अवेलेबल होता है. स्टेज इज़ अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म, एंड आई हैव आल्सो डन थिएटर. तो यू नो, प्रोग्रेसिव एक ही माध्यम रह जाता है, जो है कि फिल्म्स. एंड आई थिंक फॉर मी इट्स कम वेरी ईजी. मैंने थिएटर किया था, उसके बाद मैंने दो इंग्लिश फिल्में की, फिर एक बंगाली फिल्म की, अभी मैंने एक हिंदी फिल्म के लिए मैंने शूट भी किया है, वो एक मुलाकात. आगे जाके, जी हाँ, बॉलीवुड का सफ़र मैं सोचती हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, एंड देखते हैं आगे क्या होता है. ये है मुलाकात, आपने जैसे बताया शूट किया है, तो इसमें स्टार कास्ट कौन कौन सी? देखिए, अभी इस फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट जब रिलीज़ होगी मैं ज़रूर आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगी. बट फिलहाल माय एंटायर फोकस इज़ आल्सो ऑन माय कराटे, बिकॉज नेशनल लेवल पे मैंने अभी गोल्ड जीता है, और मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ एशियन चैम्पियनशिप के लिए, जो कज़ाकिस्तान में है. तो आई थिंक मेरा पूरा जो ध्यान केंद्रित है वो मेरे प्रैक्टिस पर है, और बहुत
जोरदार तैयारी चल रही है और ये इच्छा है कि इंडिया के लिए मैं और एक इंटरनेशनल मेडल जीतूँ। कजाकिस्तान के बाद मैं आपसे श्रीलंका भी जा रहे हैं, ये अगस्त जुलाई अगस्त में दो महीने में बैक टू बैक दो सीरीज देखा जाए तो कुछ प्रेशर्स रहते हैं? जी हाँ, जब मैं 2015 में जब मैंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था उसके बाद प्रेशर जस्ट बढ़ता है क्योंकि लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा ये अपेक्षा होती है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। एंड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई ऑलवेज फाइट टू विन, सो येस आफ्टर कजाकिस्तान एंड श्रीलंका एशियन चैम्पियनशिप एंड द साफ गेम्स एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग दैट ऑल माई हार्डवर्क शोज यू नो रिजल्ट्स और मैं सच में अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना चाहती हूँ, सिर्फ फैशन के माध्यम से नहीं। आई थिंक वुमेन आर जस्ट नॉट ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट बट दे आर स्ट्रॉन्ग टू, ये मैसेज मैं बहुत स्ट्रांगली अपने दर्शकों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को और इंडिया में ये मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि औरतें बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके मैम, देखा जाए तो आप कराटे भी कर रही है और यहाँ पे मॉडल सुपर मॉडल भी बनी है, तो फिर कहाँ से ज़्यादा एंजॉय कर पाती आप? जब मैं जिस जगह होती हूँ उस जगह पे मैं पूरा अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कराटे कर रही हूँ या फैशन कर रही हूँ तो मैं अलग ध्यान देती हूँ। मुझे लगता है आई बिलीव इन लिविंग इन द मोमेंट और फैशन में उतना ही एंजॉय करती हूँ जितना मैं कराटे एंजॉय करती हूँ, सो आई लिव इन द मोमेंट एंड आई एम जनरली अ हैप्पी पर्सन एंड आई बिलीव इन स्प्रेडिंग स्माइल। ओके, कराटे जिसकी बात की, आपने थिएटर्स किए हैं, ऐड किए हैं, मूवीज कर लिए, रैंप पे भी चल लिए, जी हाँ, हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा आपको, कौन सा पार्ट लगा? मुझे लगता है कि क्या एक्साइटिंग है कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब एक्सपेरिमेंट करते हो जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे वो ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और टाइम मैनेजमेंट। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मुझे लोग फैशन फील्ड में देखते हैं, जब मैं उन्हें कहती हूँ कि अरे आई एम मार्शल आर्टिस्ट, तो वो बिलीव नहीं कर पाते और यही चीज़ जो है मुझे बहुत चैलेंजिंग लगती है और मैंने बचपन से अपने आप को हमेशा से ही अलग अलग फील्ड्स में यू नो एक्सपेरिमेंट करते हुए मेरी सारी ज़िंदगी आई थिंक मैं सिर्फ वो करना चाहूँगी। आई डोंट वांट टू बी जस्ट मास्टर ऑफ वन बट आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग। लोग कहते हैं कि एक चीज़ भी करना डिफिकल्ट टास्क होता है, आपने तो तीन चार चीज़ें कर ली, इसके पीछे किसका श्रेय है देखा जाए तो? मैं इसका पूरा श्रेय हमेशा से अपने माता पिता को देती हूँ बिकॉज आई थिंक माय पेरेंट्स आर वंडरफुल, वो जितने सिंपल है वो उतने ही प्रोत्साहन जो मुझे बचपन से उन्होंने दिया है। आई हैड अ वंडरफुल चाइल्डहुड, मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की है, आई एम इंग्लिश ग्रेजुएट विद इंग्लिश लिटरेचर, सो आई थिंक जब आपको एक बहुत अच्छा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मिलता है आगे जाके आप बहुत ही एक अच्छे पर्सनालिटी बन सकते हैं, तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो आई थिंक मेरा पूरा श्रेय मैं अपने माँ बाप को देती हूँ। थैंक यू सो मच। यस, हाँ या सो व्हाट मैम, आप एक और मैगजीन पे शूट कर रहे हो, क्या है उसके बारे में बताएंगे? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं परफेक्ट वुमन के लिए शूट कर रही हूँ। जैसे ये टाइटल है परफेक्ट वुमन, मुझे लगता है कि हम सभी वुमन परफेक्ट हैं और हमारी इम्परफेक्शन में भी एक परफेक्शन है जिसे हमें हमेशा उभारना चाहिए। इसीलिए वेदर इट इज़ फैशन, वेदर इट इज़ यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड और वेदर इट इज़ एनी फील्ड, हम सभी में वो क्षमता है दैट वी एक्सेल इन आर फील्ड। सो इट इज़ माई प्रिविलेज टू शूट फॉर परफेक्ट वुमन एंड सम रियली गुड पिक्चर्स आर कमिंग योर वे। It's a shadow picture, man. Okay, are we done? Right. Thank you. Oh, yeah? Yeah, let the earring be seen, please. It's looking nice. It's a top of it. तो अभी आप आपका कर सकते हो, आपका लाइट ऑन कर दो चाहिए तो लाइट ऑन कर दो, आपका ऑन है। हेमल No, when you're doing that, there's a fold coming from top. Is it right there? Yeah, so that's... No. Leave it, let me see, leave it. I think it's fine. Fine? Okay, chalo. I think it's... Hold on. She
लवली चिन अप चिन अप चिन अप ब्यूटीफुल लव Yeah, you know what? You're going forward looking nice when you go. Yeah, that's nice. Look at me. Just one sec. Himal? Yeah. Himal, that turn back. और बाल भी हैंग हो रहा है हाँ उसको पूरा भी हटा दो एंड लिटिल बिट ऑफ अ इयररिंग कैन आई सी प्लीज संध्या कैन यू शो मी द अदर शोल्डर ऑल्सो या दैट्स नाइसर Yeah, that's fine. Sandhya, that's a nice one. I like this. What's Yeah. Nice. Hold on to that. Perfect. Like, it's on the stage, like,